राम राम भाइयों, मैं थारा भाई और डीटीसी का कर्मचारी नवीन राठी। भाई कई दिन तक अपनी डीटीसी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी एकता यूनियन में बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है और भाई समझ में नहीं आ रहा कि भाई हमारे कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी चाहें कि धरना भी दिया जा तो किस मुद्दे पर दिया जा। हम जिस मुद्दे पर देना चाह रहे हैं उस मुद्दे तो तुम भटकन लाग रहे हो। कोई नहीं, कोई भाई सैलरी ना मिल रही। अरे भाई सैलरी मिल जाएगी, सैलरी कड़े जाओगी। और सैलरी भाई इसी ना मिलती अक्थर 5-4 महीने का एक सैलरी में गुजारा हो जाएगा। न्यून न्यून तो लेकर चला लो काम, आई बस चलाओ हो थोड़े फालतू ले लो। ये सैलरी वैलरी इन पधरने नहीं दिए जाया करें। ये इतनी बड़ी सरकार है ना तो थारी सैलरी रोके, रोक देंगी तो काम करे उड़कर रुपया कितना आजाद ना तो काल मिल लेगा। हाँ यह बात है कि भाई सैलरी टाइम पर ना मिलती तो मुसीबत हो है। लेकिन एक सैलरी के ऊपर थोड़ी धरना दोगे? अगर भाई सैलरी ना मिली हमने धरना दे दिया? नहीं भाई, एक अपने एम पर हो कहते न्यू बना लियो कि भाई हमने पक्का होना है। कह न्यू बना लियो भाई हमने समान काम समान वेतन चाहिए। कह न्यू बना लियो कि भाई हमने टाइम पर सैलरी चाहिए। कदे तो न्यू कहो भाई हमने सैलरी चाहिए धरना दे दो। कदे न्यू कहो हमने समान काम समान वेतन चाहिए धरना दे दो। कदे न्यू कहो भाई हमने पक्का होना है, समान काम समान वेतन नहीं बोला हमने पक्का होना है तो धरना दे दो। सीएल नहीं मिलती तो धरना दे दो। मेरे भाई धरना देना इतना आसान काम ना होता। और भाई एक मुद्दा पकड़ के चलो और उस मुद्दे तो भटको मत ना। जब तुमने समान काम समान वेतन चाहिए तो उससे पर धरना दो। और तुमने पक्का होना है, अगर भाई पक्का ही होना है हमने समान काम समान वेतन तक काम नहीं चल लगा हम पक्के होंगे तो पक्के उनका धरना दो। सैलरी ना मिलती तो तुम सैलरी के ऊपर बात ठा दे हो। ये छोटे छोटे मुद्दे हैं, ये आज ना तो कल हो जाएंगे। काम करवाया तो सैलरी भी देनी पड़ेगी, पर वह सैलरी क्यूकर बद है, क्यूकर परिवार ने सिक्योरिटी मिल रहा है, क्यूकर अपने आपे ने सिक्योरिटी मिल रहा है, क्यूकर बालक पढ़ है, क्योंकि जीवन यापन बढ़िया हो। उन चीज़ा की सोचो, छोटी मोटी चीज़ा पे मत जाओ। पक्के हो गए तो सैलरी भी टाइम पे मिलेगी, ना भी मिलेगी तो इतनी मिलेगी कि भाई एक आध महीने ना मिल रही तो काम चल जाएगा। तो भाई एक मोटिव रखो कि भाई हमने इस चीज़ पे धरना देना है। मांग बतेरी हो सके हैं पर मेन मांग एक को होया करे, चाहे तो समान काम समान वेतन की रखो, जब जॉब सिक्योरिटी की रखो, चाहे भाई डायरेक्ट पक्के उनकी रखो। तो भाई मेरा तो कहना यो है, बाकी तुमने जो मांगना है वो मांगो, जो थारी सोच है वह सोच रखो। पर भाई मन ने तो अपनी सोच बताई है के भाई एक ट्रैक पे चल ले जाओ, हमने पक्का होना है, उस तक दाएं बाएं का हमने कोई रास्ता नहीं चाहिए। 15 साल 16 साल नौकरी करते हो लिए यो हमारा हक है, सही ईमानदारी तक काम करने लग रहे हैं, आगे भी न्यू काम करेंगे और डिपार्टमेंट ने हमारी जरूरत से। तो भाई मेरी तो सोच यह है, बाकी किसे भाई ने बुरा लग गया हो तो हाथ जोड़ के भाई माफी चाहूंगा और माफ कर दियो। और सारे भाइयों ने एक बार फिर हाथ जोड़ कर राम राम, धन्यवाद भाइयों।